आप सभी को नमस्कार। तो साथियों, आप सभी को पता है कि भाई कल जो है देश के शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक संसद में एक बयान दिया है कि अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इस बात में क्या सच्चाई है आप सब जानते होंगे, क्या कोई पेपर लीक नहीं हुआ है? ये कहना चाहिए था कि कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ है अभी तक जो लीक नहीं हुआ है। आप उल्टा बोल गए कहीं ना कहीं। आपकी क्या राय है, क्या ये उन्होंने सही कहा या गलत कहा है? आप अपनी क्या राय रखते हैं आप सभी कमेंट करके बताना दोस्तों। और सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।